आपका प्यार खुद चलकर आपके पास आएगा और 24 घंटे आपके लिए तड़पेगा। सिर्फ चप्पल के नीचे आपको ये चीज रखना है, सिर्फ एक चीज रखना है मेरे भक्तों। किसी भी स्त्री और पुरुष को अपने प्यार में बेचैन करके तड़पाना चाहते हैं ताकि वो 24 घंटे आपके बारे में सोचे, आपके आगे पीछे घूमे, जो प्यार छोड़कर गया है वापस आ जाए, आपसे मोहब्बत करे, तो सिर्फ एक बार चप्पल के नीचे आपको ये एक चीज रखना है। बहुत ही प्रचंड वशीकरण होगा, ये बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल और आजमाया गया वशीकरण टोटका है मेरे भक्तों। अगर आप वशीकरण कर करके थक चुके हैं, आपका प्यार आपसे बात नहीं करता है, आपका वशीकरण नहीं होता है, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भक्तों। मैं आप सभी को बता दूं, बहुत सारे लोगों की समस्या है कि गुरुजी हम जिस स्त्री से प्यार करते हैं वह स्त्री हमसे प्यार ही नहीं करती है। बहुत सारे लोगों की समस्या है कि गुरुजी हम जिस स्त्री से पहले प्यार करते थे वह स्त्री भी हमसे प्यार करती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अचानक बदल गई, बात नहीं करती है, फ़ोन नहीं करती है, या शादी को तैयार नहीं है। बहुत प्रकार की समस्या होता है प्यार में मेरे भक्तों। पत्नी को वश में करना हो, पति को वश में करना हो, इन सभी समस्या का समाधान यही वशीकरण टोटका है। पल भर में आपका प्यार आपके पास आएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा, आपसे मोहब्बत करेगा और आपके आगे पीछे घूमेगा। बस एक बार आप ये वशीकरण टोटका घर बैठे कर ले। चप्पल के नीचे आपको एक चीज रखना है, कौन सी चीज रखना है, कब रखना है, कैसे रखना है, ताकि आपका प्यार आपके मुट्ठी में हो जाए, आपके हर बात को माने, आप जैसे चाहे वैसे प्यार करे। आइए बताते हैं। उसके पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भक्तों। वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट में प्यार के नाम के साथ में अपना नाम जरूर लिखे ताकि हम आपकी मदद कर पाए मेरे भक्तों। सबसे पहले आपको एक लवंग लेना है। अगर आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं, प्यार के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं कि प्यार आपके बगैर नहीं रह पाए, हमेशा वो आपको याद करे, जो प्यार बात नहीं करता है वो प्यार आपसे बातें करे, तो एक लवंग लेकर के अपने सर से एक बाल काट लीजिएगा या तोड़ लीजिएगा, उस लवंग के ऊपर में दो बार कम से कम लपेटे। क्या करें, उस लवंग के ऊपर में, जो लवंग आपने लिया है उस लवंग के ऊपर में आपको दो बार बाल को लपेटना है। थोड़ा लंबा कटिएगा, इतना सा हो जाएगा, लपेट लीजिएगा। जैसे ही लपेटिएगा एक बार, आप उस स्त्री का या उस पुरुष का, पत्नी का, पति का, जिसको अपने काबू में करना चाहते हैं, जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, उसका नाम बोल करके अपना नाम बोलिएगा और त्रिम 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 बोल दीजिएगा मेरे भक्तों। उसके बाद फिर दोबारा लपेटे, फिर प्यार के नाम के साथ में अपना नाम, फिर त्रिम 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 बोल लीजिए। उसके बाद में उस लवंग और बाल को लेकर जिस भी प्यार के लिए आप वशीकरण कर रहे हैं, जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं कि वो आपसे मोहब्बत करे, आपके साथ रहे, जो छोड़ कर गया है पल भर में वापस आपके पास आ जाए, उसके चप्पल या जूती के नीचे आप उस लवंग बाल को चुपके से छुपा दीजिएगा, ठीक है ना। बाहर अगर कहीं वो रखता हो घर के बाहर, ठीक है ना, तो उसके चप्पल के नीचे छुपा देना है, ठीक है ना। ये काम आपको शाम को करना है, जैसे छुपा दीजिए कम से कम अगर एक घंटे के लिए भी वो लवंग और बाल उस चप्पल के नीचे रह जाएगा तो वह आपके प्यार में इतना दीवानी हो जाएगी कि आपके पास खुद चलकर आएगी, खुद फ़ोन करेगी, वो खुद बोलेगी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊँगी। कोई भी पुरुष होगा आपके प्यार में दीवाना हो जाएगा, जिससे भी आप पसंद करते हैं, जिससे चाहते हैं, वो खुद आपके पास आएगा, आप कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे भक्तों। एक बार सही तरीके से वशीकरण करें और जहाँ भी दिक्कत होगा हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी मदद करेंगे। प्लीज़ अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम जितने उड़ाएंगे सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा।